हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आरसी व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज हो गया है सैटरडे और मेरा जो किचन है वो काफ़ी मैसी हो चुका है, और कुछ शॉपिंग की थी तो मेरी बेटी ने अंडा तोड़ दिया था जैसा कि आप देख सकते हो। और घर में बच्चे हो तो ये सब तो होता ही रहता है, तो किचन और घर कभी भी मतलब कि जितना भी आप क्लीन कर लो वो एकदम क्लीन रहे वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो मैसी होना ही है। तो बस आज के वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अंडा गिरा था उसको मैं क्लीन कर रही हूँ एक गीले कपड़े से। तो यहाँ पर मैं बर्तन को साफ़ कर रही हूँ, और जब भी मैं बर्तन को साफ़ करती हूँ तो पहले तो एक बार पानी से अच्छे से धो लेती हूँ ताकि ऊपर से जितना भी है वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद मैं साबुन लगाकर घिस लेती हूँ और फिर से मैं पानी से अच्छे से धो लेती हूँ। तो जो भी कचरा है वो मैं यहाँ पर एक ब्लैक बिन बैग है उसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है उसको मैं बास्केट में ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, और जब भी मैं शॉपिंग करके लाती हूँ फ्रूट्स या वेजिटेबल तो ऐसे ही प्लास्टिक बैग के साथ सीधे मैं नहीं रखती, उसको निकाल कर ही मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म और गैस पर मैंने स्प्रे कर लिया क्लीनिंग का, और फिर उसके बाद गैस को घिस लेती हूँ और फिर एक गीले कपड़े को लेकर मैं पोंछ लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी जो इधर उधर जो भी चीज़ रखी हुई थी उसको मैं सही जगह पर वापस से रख रही हूँ, और ये जो किचन का बिन है वो मैं मेन ब्लैक बिन बैग में डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने एक खाली जो प्लास्टिक की बैग थी वो लगा दी। तो सबसे लास्ट में मैं फ्लोर को क्लीन कर रही हूँ, और पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ उसके बाद पोछा करती हूँ। तो किचन अभी बिल्कुल क्लीन हो चुका है, और जितना टाइम किचन को मैस होने में नहीं लगता उससे कहीं ज़्यादा टाइम उसको क्लीनिंग करने में लग जाता है। और आशा करती हूँ आज का जो मेरा वीडियो है वो आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं आपको मिलती हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।